रहा था किसके, अच्छा तू है कितने लाया था भंडारा, खड़े तो है नहीं जाता इस पर। हाँ के काम बने तेरा काम माता, 8 तारीख का भंडारा है और जागर कहाँ पे, कपड़े घर पे। अच्छा तो उसकी खुशी में लाया है, क्या लाया वैसे? ये सूट है यार, ये सिंगार है, ये मीठा। अच्छा ठीक है, संगत को सबको निमंत्रण है। और फिर शनिवार को आना था, संगत फूल है वैसे, आज भी फूल ही है, खोल तो कोई बात नहीं है, शनिवार को और आ जाना फिर। हाँ ठीक है, लेते हैं सामान। तू बेटा, अरे तू तो ये, हाँ तू क्या किस खुशी में लाई है? होली की कढ़ाई होती है क्या? होली मेरा मन किया कि मैं लेके जाऊंगी आपके लिए। अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है हम ले लेंगे। तो क्या लाई है? मैं एक कोट सूट लाई हूँ आपके। कोट सूट क्या होता है? ये अभी इसने ठूस किया था वो तो नहीं है ना? हाँ कहीं वो हो फिर हम ले लेंगे। अच्छा फिर ठीक है, तो अकेली आई है क्या? नहीं बेटा भी है। अच्छा ये तू ही था जिसको हम डांट रहे थे इधर, पता नहीं क्या कर रहा था वो कौन है, कहाँ है? अभी तो कह रहा वो उससे बड़ा था, इसका मतलब एक में दो है क्या? पिछली बार मतलब पिछली बार बड़ा आया था, इस बार छोटा है। अच्छा इनसे नहीं मिले हम, ठीक है ठीक है। ओए तू नहीं लाया कुछ? ए तेरे को तो हम देख करके ना दिखा, और कोई नहीं है क्या? ओए तू क्या अंगूठे पे अंगूठा मिलाए बैठा, सुन किस काम आया है? हाँ तो मत कर, उस काम आया लड़कियों की तरह मत देख मेरी। आया बड़ा, क्या काम आया है? हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ मेरे साथ आया है, ये कह रहा हूँ कि काम क्या बना? काम तो बहुत सारे बने हैं। तो क्या लाया फिर? वाइफ लेके आई है। वाइफ को नहीं देखने देंगे, पहले बता क्या काम बना। तो ऐसे ही रहता क्या घर में भी, उसके बगैर मुतने भी नहीं जाता क्या? नहीं खुद नहीं बोलना होता क्या ये कि जोर को गुलाम है क्या तू है? बोल नहीं, वो ही लेके आई है। अरे वो तू फिर क्या लेके आई है, हम पूछ रहे हैं। अगर तू साथ आया है उसके, अगर तेरी पड़ोसन नहीं है वो, तेरी वाकई में वाइफ है, तो बता क्या लाया है? फोन लेके आया है। किसके लिए? आपके लिए। झूठ बोल रहे है ना, सच्चे में बोले क्या? अभी आपने बोला था ना। अच्छा तू अप्पू वाली है क्या? अरे आ गया क्या? ओहो आ गया आ गया, लेकिन अभी टच नहीं कर सकते इसको क्योंकि वीडियो बना रही है। तो वीडियो मत बनाओ। पर मैंने तेरे खसम की तो बना ली। मम्मा हमारी वीडियो मत बनाना। क्यों नहीं बनाना? मम्मा आप सब जानते हो। तो जानते हैं तो फिर संभाल लेंगे भी हम ही ना, हम अपने बच्चों पे आ जाने देते हैं क्या? नहीं ना, और आज दिन श्री गणपति का दिन है ना, तुम्हारे गेट कर रही हो तो तुम पे तो वैसे भी नहीं संकट आने देंगे। ए टेंशन फ्री रहा करो, ये तो वैसे भी धार्मिक स्थल है ना, भगवानों का स्थान है, जब उन पे भरोसा करते हो तो फिर टेंशन भी उन्हीं पे रखो, सब कुछ उन्हीं पे रखो, आप मस्त रहो। हड़कार मारी है, किसने मारी है? ऐसे मत किया करो। मामा दोनों बच्चों पे कोई नेगेटिव चीज तो नहीं है, एक ये बड़ा बेटा है एक छोटा बेटा है। ए, मुझे तो लग रहा है ये है ना जो तेरा ये वाला ये बेटा है जो इस पे ज्यादा थी, जब भी हमने ऊपर फोन कर लिए वो तू लेके आई तो फिर इसलिए। ओ सुन बीच तो इन्हीं के है ना दोनों, तो फिर जो बाप ने ही पैदा किया है तो सारी उसी में होगी ना, वो आप जानो मम्मा। ऐसे ही तो होता है ना, कहते किसका खून, तो जो पैदा हुए होंगे तो फिर इसलिए। अब 3 ऑपरेशन हुए तो वो, अरे वो तो जब तू नहीं आई तो हम क्या करें, अब आई है तो जो बचा। हाजिरी लगाने के लिए कब आई थी? ये आए थे कब, कितने टाइम पहले? इससे पहले 2 महीने पहले। तो उससे पहले तो ऑपरेशन हो चुके थे इसके? नहीं बाद में हुए थे मम्मा। 2 महीने के अंदर? हाँ जी 2 महीने। ऐसे कैसे हो सकता है? फरवरी में हुए थे ना, फरवरी में हुए थे मम्मा। हम नहीं मानते इस बात को, जो यहाँ बच्चा सच्चे मन से हमसे भेंट कर लेता है तो उसको तो वैसे ही संकट हम नहीं आने देते। इसलिए मम्मा ये पूछ के गए थे कि घंटा अभी तक मुझे बात तो कर ही नहीं रहा था, अभी बोला क्या? आए, बोला ये नहीं ना, नहीं ना, तो फिर बात कब की इसने? कब मिला मुझसे? मिला ही नहीं। मिलता तो ऐसा होने ही नहीं देती।
ये पूछ इससे जाता का है ये कहाँ गया था? वैसे तो शरीफा शक नहीं कर रही, लड़ाई नहीं करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर पूछना ये कि आप तो कई बार गलत दरबार में, मतलब दरबार तो सही होते हैं, अभी किसी और दरबार में पहुंच गया हो। नहीं मम्मा, आपके पास ही आए थे और आप फिर मेरे पास भी आए थे रात को। हाँ मैं तेरे पास तो आ गया था ना। मेरे पास आ गया। हाँ, इसके पास क्यों नहीं गया फिर? ये तो आपके पास ही आ गए थे। हाँ, मेरे पास नहीं आया बाबू, मैंने देखा ही पहली बार है इस गंजे को। सच्ची कह रहे हैं, तभी बुलवा रहे थे, ये बोला ही नहीं जब मैं तेरे, तू आई है, इसको डर, इतना डर रहा है, इतना डर रहा है, अकेला आया होगा या नहीं आया होगा, तू क्या बोलता जब, जबकि तेरे सामने ही नहीं बोल रहा। माँ निकाल दो इनका डर सारा। हाँ तो निकाल रहे थे, फिर ये तेरी तरफ कर रहा था, हम सोचा तेरा ही निकाल दें। माँ मैं तो आपकी भक्त हूँ, माँ काली की, तो मेरा जो इनके अंदर है वो निकाल दो। मैं तो तू ही है इसके अंदर है, ये बार तेरी तेरी तरफ ही उंगली कर रहा है कि साली यही खा रही है मुझे। काली तो है ही ऐसी, ऐसे तू तो स्वीट है, काली रूप नहीं है वैसे, अच्छा रूप है। काली कई बार तो देखो बेवजह काली तो क्रोध करती नहीं है, ठीक है, सारे बच्चे है, जब कोई गुनाह करते हैं तब होता है, या फिर जो आत्मा होती है, या फिर ऐसे नहीं करते। फिर तेरे सफ़ेद बाल कैसे हो गए बताएगी हमें? मम्मा ये तो बहुत पहले स्कूल टाइम में हो गए थे। नहीं फिर कलर कर लेना चाहिए था। मम्मा आप मेरे चक्कर ठीक कर दो तो ही कुछ करूंगी ना मैं चक्करों में। अभी तभी बता रहे, वो हमने ले लिया जो हमने लेना था, ठीक है, ठीक है। अब तू कलर करेगी, सफ़ेद बाल नहीं रखेगी, ठीक है, और बिंदी लगाएगी, ठीक है माई। अब आगे से हम ऐसा नहीं देखना चाहते, ठीक है माई। ठीक है बेटा, और तू भी ऐसे नहीं रहेगा। मम्मा मम्मा एक क्वेश्चन और है। मम्मा मेरा छोटा भाई ना आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसका बता दो। ए सन, हाँ जी मम्मा। ये भी किसी का भाई है, ठीक है, तो पहले इस भाई की सुन ले, अपनी अपना तो ठीक करवा ले पहले। ये होता है कि दूसरे के पट्टे में टांग फड़ाना, उसकी उसकी घरवाली देखेगी ना, कहीं तो जा रही होगी। हाँ तो मम्मी आई है तो मम्मी अपना देखेगी, तू तेरा देख ले। अभी हम अभी काम पूरा किया नहीं है, भाई के लग गई है, ससुराल सांभ ले पहले, जब ससुराल सुन जाए फिर बात करना उधर की, वो कर लेगी हमसे, ठीक है, ठीक है? है ये नियम है दरबार का, अगर बेटियां आई है ससुराल से तो ससुराल की बात ही करेंगी, तभी संकट कटेगा। अगर दोनों चीजें ले आओगे किसी का नहीं कटेगा, उलझ जाएंगी चीजें, ठीक है, समझ रहे हो, इसीलिए ठीक। बात है बहुत ज्यादा बोल रही है तू, इतना तो फोन भी नहीं है तेरा, जितनी मेरी एनर्जी वेस्ट कर रही है।